प्रज्ञाशील करुणा तथागत बुद्ध का मानवतावादी संदेश। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का क्रांतिकारी विचार। यूसीएन बुद्धा की अनोखी पहल, एक कदम प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने के लिए होगा महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखित बुद्ध और उनका धम्म इस महानतम ग्रंथ का विश्लेषण। भदंत धम्म सारथी के साथ जानेंगे सम्यक विचार। विश्व के पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक, भारतीय संविधान के निर्माता, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ के निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संघर्ष और त्याग समर्पण किया, वैसी माता रमाई सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। यूसीएन बुद्धा देखने वाले सभी श्रावक संघ, सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो सामाजिक शोषण व्यवस्था है उसके मुख्य आधार तत्व है, उसके मुख्य फाउंडेशन है, जो मुख्य उसके पहलू है, जो समाज में शोषण व्यवस्था निर्माण करते हैं, ऐसे जो आधार तत्व है शोषण के, उस बारे में मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा कि समाज में भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग निर्माण किया गया है जिसको स्वयंभू अतिमानव वर्ग कहा जाता है, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन कहा जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको यह नाम दिया है कि समाज में जो सर्वसाधारण लोग होते हैं, उन सर्वसाधारण लोगों के बीच में एक ऐसा वर्ग निर्माण किया जाता है जो सामान्य लोगों से खुद को सुपरमैन समझता है, खुद को श्रेष्ठ समझता है। ऐसा एक वर्ग निर्माण किया गया है। इस वर्ग को समाज में ऐसा स्थान निर्माण किया गया है कि जैसे आप मंदिर में जाइए तो मंदिर में एक पुजारी रहेगा और वो कहेगा कि पहले पुजारी के पास दीजिए जो भी दान देना है, फिर वो ईश्वर को मिलेगा। यानी उसने अपने स्थान को सामान्य लोगों के से बढ़ा करके अपना स्थान निर्माण किया है। इसी प्रकार भारत के अंदर एक पुरोहित वर्ग की स्थापना की गई है कि एक पुरोहित वर्ग जो
ईश्वरीय बातों का प्रमुख आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला है, जो स्वयं को समझता है कि मुझे वो अधिकार है। भूदेव के जैसे सावित्री बाई कहती है कि सावित्री बाई फुले कहते हैं कि भूदेव यानी ईश्वर, जमीन का ईश्वर, इस पृथ्वी का ईश्वर। ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इस जमीन का जो ईश्वर है वो उसने खुद को इतना चमत्कारी, अलौकिक, इतना ये खुद को बना के रखा है। और ऐसा वर्ग भारत में निर्माण हुआ है कि जो भी धार्मिक कार्य है वो उसके माध्यम से हो, ऐसी समाज की अपेक्षा रहती है। पुजारी होता है, पुरोहित वर्ग होता है, धम्म के बारे में कथावाचन, धम्म के बारे में प्रबोधन करने वाला वर्ग होता है। ऐसा वर्ग जो समाज में निर्माण हुआ है, उस ऐसे वर्ग की अपेक्षा क्या होती है? वो अपेक्षा ये रखता है ऐसा वर्ग, खुद को स्वयंभू सुपरमैन समझता है, और वो लोगों से अपेक्षा रखता है कि समाज मेरी पूजा करे, मुझे दान दे, मेरी बात माने, मेरा आशीर्वाद ले, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। मेरा आशीर्वाद यानी ईश्वर का आशीर्वाद, मुझे जो चीजें देंगे वो ईश्वर को पहुंचेंगी। इस तरह से लोग बड़े भीड़ करके, लाखों के भीड़ में लोग उनका दर्शन लेते हैं, उनके पैर की मट्टी लेते हैं, और लोग समझते हैं कि उनके दरबार में जाकर के हमारी समस्या हल हो सकती है, हमारे दुख दूर हो सकते हैं। ये मानसिकता उनकी हो सकती है, समाज के लोगों में अज्ञानता है। समाज श्रद्धावान है, समाज किसी पर भी श्रद्धा रखता है, लेकिन समाज का वो श्रद्धा अंधश्रद्धा में ना बदल ले। अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। इस पर हमें जागरूक रहकर लोगों में भी जागरूकता निर्माण करना जरूरी है। अगर इनके माध्यम से समाज में अंधश्रद्धा निर्माण हो सकती है, अगर निर्माण हो जाए तो लोगों का बड़े पैमाने पे शोषण हो सकता है। प्रमुख जो पुरोहित वर्ग होता है वो इस तरह से अपना प्रचार प्रसार करता है कि उनके दर्शन से, उनको दान देने से आपके दुख दूर होंगे, आपकी समस्या दूर होंगी। इस तरह से वो स्वयं पुरोहित वर्ग और उनके जो अनुयायी है वो समाज में प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे बाबा बड़े श्रेष्ठ हैं।
हमारे बाबा के कहने से रंग से राजा बन गया। उसकी आर्थिक परिस्थिति बदल गई, कई लोगों की बीमारियां दुरुस्त हो गई, कई लोगों का जो परिवार बिछड़ने से बच गया है। इन हमारे बाबा में कई चमत्कार है। हमारे बाबा की वाणी ये श्रेष्ठ वाणी है। बाबा जैसे कहते हैं वैसा ही होता है। इस तरह से उनके जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो समाज में आकर प्रचार करते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाती है, चमत्कार बताए जाते हैं, अलौकिकता बताई जाती है और ईश्वरीय रूप वहाँ पर निर्माण किया जाता है। ये सारा करने के माध्यम से ये सारा इसलिए किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो कमजोर लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्यादा समझता नहीं, ऐसे लोगों को दबाने के लिए, ऐसे लोगों को का शोषण करने के लिए, ऐसे लोगों को अपने भक्त बनाने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इन सारे बातों को महत्व देते नहीं, वो सारी बातों को नहीं मानते हैं। लोगों को कर्मकांड करवाते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। ये ऐसा वर्ग है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद मृत्यु तक उसके जीवन को अपने नियंत्रण में, अपने अधीनस्थ रखना चाहते हैं। वो चाहते कि जो भी इंसान करे वो हमें पूछ कर करे। शादी भी करना है तो हमें पूछ कर करे, लड़की को पसंद करना है हमें पूछ कर करे, कुंडली मिलाए, फिर बच्चा हो गया हमें पूछ कर नाम रखे, शादी करना है शादी का मुहूर्त हमारे हमें पूछ कर रखे, किसी का नाम भी शादी में बदलाना है, राशि भविष्य देखना है तो हमें पूछ कर दे बताए। कभी कई बड़ी सफलता मिली तो वो कहे कि हमारे आशीर्वाद से सफलता मिली। अगर उनका कोई नुकसान हुआ तो वो ये समझे कि मैंने बाबा का अपमान किया होगा इसलिए मुझे हानि हो गई। ये सब बातों का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है, ऐसा एक वर्ग है जो बना हुआ है। आज ऐसे लोग भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार जेल में सलाखों के पीछे आज भी है। उन्होंने इस तरह का काम किया है कि समाज को शोषण करने का काम, बलात्कार करने का काम, प्रॉपर्टी जमा करने का काम किया है। ये जो स्वयं को सुपरमैन समझने वाले लोग, पुरोहित वर्ग जो है वो वर्ण व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं। बाबा साहब को इसलिए ज्यादा उनसे ये है कि इस भारत की सबसे जो
एक कलंक है भारत का कि इस देश में जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, भेदाभेद है, धर्म धर्मों में भेद है, जाति जाति में विषमता है। ये जो इस देश में सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को वो बचाना चाहते हैं, प्रचार करते हैं कि जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था जो जन्म के आधार पर है, जो जाति के आधार पर है, उनको जाति के आधार पर पेशा देना चाहिए, जाति के आधार पर उनका मान सम्मान होना चाहिए, जाति के आधार पर उनका दर्जा होना चाहिए, जाति के आधार पर उनको अधिकार और सुविधा देना चाहिए। ये सब बातें जो विषमतावाद को इस देश में बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे बातों को, ऐसे कुछ लोग हैं जो उसको ज़्यादा प्रसार प्रसार करना चाहते हैं, ताकि समाज में, मानव मानव में हमेशा संघर्ष होता रहे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाए, अपने से नीचा रखे, एक इंसान को सब कुछ मिले और एक इंसान सेवा करते रहे, उसको छोटे काम दिए जाए, उससे सबकी सेवा करने का काम किया जाए, दिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से सबकी सेवा करे, और एक वर्ग ऐसा बने कि वो सबका शोषण करे। इस तरह से व्यवस्था मजबूत करने के काम में ये पुरोहित वर्ग काम करता है। अंदर से, ऊपरी तौर से तो बड़ी अच्छी बातें करेगा, लेकिन इंसान से ज़्यादा प्राणी को महत्व देता है। प्राणी को ईश्वर का रूप मानता है, लेकिन इंसान को मानव नहीं समझता, प्राणियों से भी कम दर्जा मानता है। ऐसे इंसान भारत में निर्माण किए जाते हैं, लोगों से इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसकी जड़, ये सारी बातों की जड़ इसी में है। ऐसे समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह का वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं, सबको समान सुविधा, उसके गुणवत्ता के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, इंसान के गुणवत्ता के आधार पर, उसके शील और आचरण के आधार पर, उसके नैतिकता के आधार पर उसको वो सुख सुविधा, सम्मान, दर्जा सब मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, ना कि वर्ण के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। आदमी श्रेष्ठ बने उसके आचरण के आधार पर, उसके जन्म और जाति के आधार पर श्रेष्ठ न बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है, और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो शोषण व्यवस्था किस तरह से बनाई गई है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और समझते हैं कि ऐसे लोगों से हम सतर्क रहें। ये अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों का शोषण करना चाहते हैं, ईश्वर के नाम पर
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का शोषण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के से हमें सतर्क रहना, ऐसे लोगों के विरुद्ध में हमें बड़े अवेकनेस जागरूक रहकर काम करना है। ये लोग मीठी बोल करके, ईश्वर का नाम लेकर के, धर्म के आधार पर हमें शोषण करते हैं। कहते हैं कि दान देने से सब कुछ मिलेगा आपको, बाबा को दान दीजिए, पुरोहित को दान दीजिए, पुजारी को दान दीजिए तो पुण्य मिलेगा, आप स्वर्ग में जाओगे। तो ये लोग किसको दान देते हैं? क्या उन्हें पुण्य प्राप्त नहीं करना है? क्या उन्हें स्वर्ग में नहीं जाना है? तो उनको पूछिए जो पुरोहित वर्ग है, आप किसको दान देते हो? ईश्वर को दान देते हो? कहाँ दान देते हो? ईश्वर को दान दिया हुआ तो लेते हैं, ईश्वर को कहाँ दान देते हो? कौन से बैंक में दान देते हो? पुरोहित बनने के पहले उसके पास क्या था, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और पुरोहित बनने के बाद में उसके पास कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये क्यों नहीं आपने किसी को दान दी? क्यों नहीं आपने लोगों का कल्याण के लिए काम किया? ऐसी प्रवृत्ति भी होना चाहिए कि हमें दान के रूप में जो मिलता है, हम उसका खर्चा जो है लोगों के कल्याण के लिए करें, लोगों को कल्याण करें, ऐसी भावना भी निर्माण होना चाहिए। तो ये जो एक शोषण का एक जरिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये ऐसे लोग, कम लोग होते हैं पुरोहित वर्ग, जो समाज में कम लोग रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं बहुसंख्यक लोग उनकी इच्छा पूरी करें, बहुसंख्यक लोग उनकी सेवा करें, ये चाहते हैं। ये लोग अल्प रहते हैं लेकिन बहुसंख्यक लोगों को अपना दास और गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, इसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने जो ग्रंथों में लिखा है उसी अनुसार उनका रवैया भी होता है। कुछ लोग समाज में अभी भी इस बात को मानते हैं कि शूद्र लोग हैं, वो शूद्र है, उन्होंने शूद्र जैसा ही रहना चाहिए, उनके वो कर्म का फल है। इस तरह से आज भी उनके तरफ मानवतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। महिलाओं में अभी भी समानता दिखाई नहीं जाती है। कोई कोई मंदिरों में महिलाओं को रोका जाता है। ऐसे कई प्रकरण आज भारत में लोगों के सामने आए कि महिलाओं को भी असमानता के रूप में प्रताड़ित करने का काम आज भी किया जाता है। तो हमें इन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। महिला हो या शूद्र समाज के लोग हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे एससी एसटी
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोग हो, इनमें भाईचारा निर्माण होने की आवश्यकता है। इन्होंने इकट्ठे आकर के एक साथ आकर के जो भारत में प्रतिक्रांति के रूप में जो समाज व्यवस्था बनाई है, जो एक ही वर्ग का एक ही वर्ग के लोगों को पुरोहित वर्ग का स्थान दिया गया है, एक ही समाज के लोगों को समाज का शोषण करने का अधिकार दिया गया है, इस अधिकारों को हमें समझने की आवश्यकता है। जो समाज में शोषण होता है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी आदमी का शोषण न हो, समतामूलक समाज निर्माण होना चाहिए, शोषण विरहित, भय विरहित, न्याय पे आधारित रहने वाला समाज निर्माण होना चाहिए, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें जो सच्चाई है सत्यता है वो लोगों के सामने रखना जरूरी है। गांव गांव जाकर हमें समाज में जो अज्ञानी लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को सत्यता बता करके, सच्चाई बता करके, महिलाओं को, शूद्रों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जमाती के लोगों को आगाह करना चाहिए, उनको शोषण मुक्त करना चाहिए, शोषण होने से बचाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। सही बात है, हमारे गुरु और हमारे संतों ने, संत तुकाराम है, संत गाड़गे महाराज है, हमारे कई संत है, कई महापुरुष है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले है, छत्रपति शाहू महाराज है, माता जिजाऊ है, माता रमाई है, इन सारे लोगों की जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं को हमें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बुद्ध धर्म में ये कहा है कि इंसान के कर्म के आधार पर सब कुछ है। इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर, ना कि जाति के आधार पर, ना कि वर्ण के आधार पर, इंसान के कर्म के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसके जो व्यवहार है इस व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति का दर्जा होना चाहिए। इस तरह हमारे महामानवों ने जो बहुजन समाज में जन्मे हुए हैं, इन्होंने जो विचारधाराएं हमारे लिए दी है, बताई है, उन्होंने जो मार्ग बताया है, तथागत बुद्ध ने जो धम्म बताया है, इस धम्म का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। हम कहीं ना कहीं इसमें कमजोर साबित हुए, इसलिए क्रांति रुकी गई और प्रतिक्रांति आगे बढ़ गई। तो हम इस प्रतिक्रांति को रोकने की आवश्यकता है और क्रांति करने की आवश्यकता है। ये आपको बता करके मैं अपने धम्म देशना को विराम देता हूँ।
सभी लोग युशन बुद्धा देखे और जो हमारी धम्मदेशना है हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे दिखाई जाती है, टीवी चैनल पे बताई जाती है। उसी प्रकार युशन बुद्धा सम्यक विचार के माध्यम से YouTube पर हमारी विचारधारा आपके सामने रखी जाती है। कृपया आप समय निकाल करके इसको अवश्य देखेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।